हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं मूली का तीखा चटपटा अचार लेके आई हूँ, जो कि मूली का सीजन है और काफ़ी टेस्टी, काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी फायदेमंद होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने मूली लिया है, ये देखिए, और ये अचार मतलब आम का जो फाकी होता है आम, वो है हरी मिर्च, आप लाल मिर्च ले सकते हैं, जीरा, सौंफ, मंगरेल और धनिया, गुड़। तो सबसे पहले हम धनिया को डाल देंगे। इसको 1 से 2 मिनट तक थोड़ा सा रोस्ट करना है। मसालों को हमें ज़्यादा जलाना नहीं है क्योंकि इसका अचार बनाना है। और फिर हम जीरा डाल देंगे और सौंफ। जीरा और सौंफ को एक साथ थोड़ा सा 1 से 2 मिनट तक इसे भी फ्राई कर लेंगे। और जैसे ये फ्राई होता है, फिर लास्ट में मंगरेल को हम ऐड कर देंगे। मंगरेल को हमें 30 सेकेंड तक ही मतलब हल्का सा गर्म कर लेना है, बस इतना ही मसालों को पकाना है। मसाले बिल्कुल भी जलने नहीं चाहिए। और अब हमारे मसाले बिल्कुल हो चुके हैं, देखिए इसी तरह से आपको रोस्ट करना है, ज़्यादा जलाने से ख़राब होता है। इधर हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं और कढ़ाई में डालते हैं थोड़ा सा ऑयल। और ये हरी मिर्च है, हल्का हल्का सा कट लगा दिया हमने इसमें क्योंकि ये फटे नहीं। इनको हम 1 से 2 मिनट तक हल्का सा फ्राई करेंगे और फ्राई करके इन्हें हम निकाल लेंगे। तो अचार में मैं बिल्कुल कम तेल का अचार बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा ही तेल डाला है। जितना आधा चम्मच तेल बचा था उसी में हम मूली को ऐड कर देंगे। मूली हमने सुखाया नहीं है, तो बिना धूप लगाए अचार बना रही हूँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा इसका, जिससे कि मूली का जो खुशबू होता है वो चेंज हो जाए, इसलिए 2 से 3 मिनट तक उधर फ्राई करेंगे। इधर हम तब तक मसालों को रोस्ट मतलब मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेते हैं। मसाले हमारे तैयार हो गए हैं ग्राइंड करके, और मूली हमारी इधर देखिए हल्का सा मतलब इसका फ्राई हो गया है 4 से 5 मिनट में, और इसको हम निकाल लेंगे। इन्हें आप दिन की धूप लगा के सुखा के भी बना सकते हैं, तो उसे थोड़ा सा पकाना पड़ेगा। और मुझे ज़्यादा टाइम तक रखना नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे ही बनाया, मतलब दो ठीक है। और देखिए कितना कम तेल हमने डाला है, बिल्कुल कम तेल में, और उसमें थोड़ा सा हींग डाल दिया, हल्दी पाउडर डाल दिया। आपको ज़्यादा दिन तक रखना है, आप तेल की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अब हम इसी तेल में मसाले को डाल देंगे, जिससे कि थोड़ा सा बस 1 मिनट के अंदर ही इनको बस उतना ही करना है हल्का सा फ्राई, क्योंकि मसाले फ्राई हो चुके हैं। और गुड़ डाल दिया हमने, तो गुड़ के बाद हमने इसमें आधा कप पानी, जितना हम चाय बनाते हैं तो आधा कप चाय वाले कप से, और इसे हम गुड़ को गलने देते हैं। देखिए हमारा गुड़ भी गल गया, 1 से 2 मिनट में गुड़ हमारा गल कर तैयार हो गया है। अब हम इसमें जो हमने खटाई, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, आम का कली है ये, वो और मिर्ची दोनों मिक्स कर दिया। मिर्ची को आप अगर लास्ट में डालना चाहते हैं तो लास्ट में डालिए। और अब हम मूली को भी डाल देते हैं इसमें। आप मूली में अचार में लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, मैंने लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला हुआ है, जिससे कि सभी लोग इसे खा सकें, बच्चे भी खा सकें। अब हम इसमें लास्ट में नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार, और इसे थोड़ा सा ढक देंगे क्योंकि अच्छे से पक जाए। मूली है, मूली का अचार जब पक जाता है तब ये अच्छा लगता है। देखिए इसको हम इसी तरह से 2 से 3 बार इसे चेक करेंगे। देखिए अभी मूली हमारी पकी नहीं है, तो इसको बार बार चेक करते रहना है। और इसका जो चाशनी है, गुड़ का जो हमने बनाया है, ये अभी पका नहीं है, उससे भी अच्छे से जब मूली भी पक जाती है और चाशनी भी हमारी, इसका कलर चेंज हो जाता है। तो देखिए अभी मूली पकी नहीं है, फिर भी हमने चेक किया। तो इस तरह से हम कई बार चेक करते हुए मूली का अचार देखिए अभी बनकर तैयार हो गया है। तो थोड़ा सा फोकस नहीं हो पाया, बाकी अचार बहुत ही अच्छा बना है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं, जिससे कि ये खाने में भी उतना टेस्टी लगता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसे आप पराठे के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ, पूरी के साथ, सब्जी, इसको खट्टा मीठा तीखा अचार ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें इस ठंडी के मौसम में, और जो कि हेल्दी भी है, नुकसान भी नहीं करता है, काफ़ी अच्छा अचार बनकर तैयार होता है, झटपट बन जाता है। तो इसे ज़रूर ट्राई करें। कुक विद मंजू में बस आज के लिए इतना ही। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।